बिग बॉस 17 के प्रतियोगी रियलिटी शो के बाद काम पर वापस लौट आए हैं, जहां उन्होंने शो में अपनी व्यक्तित्व से ऑडियंस को एंटरटेन किया, तो वहीं बिग बॉस 17 की एक प्रतियोगी अपने नए नए प्रोजेक्ट से फैंस को सरप्राइज भी दे रहे हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बिग बॉस 17 की कौन सी कंटेस्टेंट इस शो के बाद किस प्रोजेक्ट में नजर आए थे या फिर कौन सी कंटेस्टेंट किस बड़ी प्रोजेक्ट में इन फ्यूचर आपको देखने को मिलने वाले हैं, उसी के बारे में ही इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। वेल, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जी हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, आयशा खान। वेल, आयशा खान बिग बॉस 17 के वाइल्ड कार्ड दावेदारों में से एक थी, जिनकी एंट्री ने शो में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट किया था। बिग बॉस 17 के बाद अब एक्ट्रेस जल्द ही अपकमिंग तेलुगु फिल्म लकी बस्कर में नजर आने वाली है। नंबर 2, विकी जैन। वेल, विकी जैन भले ही अपनी वाइफ अंकिता लोखंडे के साथ बिग बॉस 17 में नजर आए हो, लेकिन इस शो के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जरूर जीत लिया है। यही रीजन है इस शो के बाद विकी जैन को एक और रियलिटी शो का ऑफर मिला है। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी जैन को बिग बॉस 17 के बाद बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो विकी जैन BB OTT सीजन 3 में जरूर नजर आएंगे। नंबर 3, अनुराग डोभाल। मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने बिग बॉस के बाद ऐसा कोई भी शो साइन नहीं किया है। हालांकि उन्हें बिग बॉस 17 के ही को कंटेस्टेंट रह चुकी खानजादी के साथ एक म्यूजिक वीडियो में जरूर देखा गया था। नंबर 4, मन्नारा चोपड़ा। वेल, बिग बॉस से बाहर आने के बाद मन्नारा चोपड़ा की तो लॉटरी ही लग गई है। यही वजह है इस शो ऑफ एयर होते ही मन्नारा चोपड़ा को अभिषेक कुमार के साथ सावरे नाम की एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। फिर उसके बाद वो तेलुगु फिल्म थीरागा वद्रासामी मूवी में भी नजर आए थे। वेल, शो के दौरान फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी भी मन्नारा चोपड़ा से काफी इम्प्रेस हुए थे, तो हो सकता है मन्नारा चोपड़ा इस बार खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में आपको देखने को मिले। नंबर 5, फिरोजा खान उर्फ खानजादी। बिग बॉस में आने से पहले फिरोजा खान को आपने हसल 2.0 में देखा था, एंड बिग बॉस करने के बाद उन्हें सब सही और रंगरेजा नाम की दो म्यूजिक एल्बम में देखा गया था, जिसे खानजादी ने खुद ही लिखा और खुद ही कंपोज किया था। उसके अलावा खानजादी को आजकल YouTube में ही ज्यादा एक्टिव देखा जाता है, जिसमें वो अपनी डेली लाइफ की स्टोरी फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं। नंबर 6, ईशा मालविया। टेलीविजन की इस एक्ट्रेस ने भी इस बार बिग बॉस 17 में बतौर कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था। वेल, बिग बॉस के बाद ईशा मालविया को आपने एक म्यूजिक वीडियो में देखा होगा, जिसे फैंस ने काफी पसंद भी किया था। एंड अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट की बात करें तो ईशा मालविया जल्द ही बिग बॉस OTT2 विनर एलविश यादव के साथ भी किसी नए म्यूजिक एल्बम में आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर 7, मुन्ना बरफारूकी। बिग बॉस 17 में मुन्ना बरफारूकी को लोगों ने काफी पसंद किया था, यही वजह है उन्होंने इस विवादित रियलिटी शो का खिताब भी जीता। इस शो को जीतने के बाद मुन्ना बरफारूकी को लोकप्रिय टीवी एक्ट्रेस हिना खान के साथ हल्की हल्की सी नाम की एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था, जिसको ऑडियंस ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। वेल, सुनने में आ रहा है मुन्ना बरफारूकी खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें मेकर्स द्वारा ऑफर दिया गया है ये शो करने के लिए। नंबर 8, अंकिता लोखंडे। कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस के सबसे लोकप्रिय नामों में से एक अंकिता लोखंडे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने शो में अपनी मौजूदगी दर्ज किया था। वेल, बिग बॉस के बाद अंकिता लोखंडे फिर से एक बार बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही है। अंकिता लोखंडे फिलहाल एक्टर रणदीप हुड्डा और अमित साल के साथ अपनी आगामी फिल्म को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी यह फिल्म 22 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। नंबर 9, अभिषेक कुमार। वेल, अभिषेक कुमार बिग बॉस 17 के फर्स्ट रनर अप रह चुके हैं। शो में उनके नाम को दर्शकों ने काफी पसंद किया। बिग बॉस के बाद एक्टर को मन्नारा चोपड़ा के साथ सावरे नाम की एक म्यूजिक वीडियो में देखा गया था। वेल, फिलहाल अभिषेक कुमार ने दूसरा कोई भी शो साइन नहीं किया है, हालांकि हो सकता है कि वो इन फ्यूचर और भी किसी म्यूजिक वीडियो में आपको देखने को मिले। नंबर 10, नील भट्ट। वेल, बिग बॉस के बाद इस पॉपुलर एक्टर ने अभी तक कोई भी डेली सोप साइन नहीं किया है, मगर 90% चांसेस है नील भट्ट इस बार खतरों के खिलाड़ी शो का हिस्सा बने। तो ये है बिग बॉस 17 की वो कंटेस्टेंट का नाम जो शो के बाद अपने अपने काम को लेकर लाइफ में काफी बिजी है। रही बात ऐश्वर्या शर्मा, नाविद सोन, जिग्ना बोरा, सोनिया बंसल, सनी आर्या जैसे कंटेस्टेंट की, तो उनको लेकर कोई भी अपडेट फिलहाल के लिए नहीं है। वेल, जैसे ही उनसे जुड़े कोई अपडेट सामने आते हैं तो आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।